गुड मॉर्निंग एवरी वन. वट इज़ द डेट टूडे? द डेट टूडे इज 14th of July 2021. एंड वट इज द डे? द डे इज वेंसडे. डे इज वेंसडे. यस. नाउ चिल्ड्रेन, इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट ग्रामर क्लास, we studied about articles. Yes, we studied about articles. Can you tell me which are the three articles? The three articles that I told you were a, an, and the. Yes, in the last class we have already studied about a and an. We have studied about article a and I have told you that a and an are used with singular common noun. They are used with singular common nouns, and a is used with vowels, and a is used with consonants, and an is used with vowels. Yes, these things we studied. Now, today we will be studying about the usage of the, that where can you use the. Okay, so let's start. First thing beta, the is used when you talk about anything in particular. जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने बोला चौक, मैंने बोला अ चौक, चौक के साथ आप क्या यूज़ करते हो? आ चौक. यस, बिकॉज मैं जनरली किसी भी चौक की बात कर रही हूँ, इन जनरल किसी चौक की बात कर रही हूँ, तो कोई भी चौक. अ चौक बोला तो या तो ये चौक हो या तो ये चौक हो, कोई भी चौक हो सकता है. यस, बट इफ आई से, if I am talking about chalk in ma'am's right hand, अगर मैं बात कर रही हूँ उस चौक की जो मैम के राइट हैंड में है, तो मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि मैं किस चौक की बात कर रही हूँ. I am talking about the chalk in ma'am's right hand. तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चौक की बात कर रही हूँ. Yes, now see the difference. If I am telling a chalk, if I am telling a chalk, तो मतलब दोनों में से कोई भी चौक हो सकता है. Give me a chalk, अगर मैंने बोला give me a chalk, चलो ये ऐसे देखते हैं. Give me a chalk मतलब कि या तो ये चौक दे दो या तो ये चौक दे दो, दोनों में से कोई भी चौक चलेगी. Yes, now if I have to say give me chalk in your right hand, if I have to say give me dash chalk in your right hand, that means give me. अब मैंने पर्टिकुलर कर दिया, मैंने क्या पर्टिकुलर कर दिया कि पर्टिकुलरली मुझे यही वाला चौक चाहिए, मुझे ये वाला चौक नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज इन योर राइट लेफ्ट हैंड. सो आई वॉन्ट the chalk in your right hand. Understood? So beta, what happens when we are talking about any particular thing? जब हम किसी particular thing की बात करते हैं तो ऐसे cases में हम क्या use करते हैं? The use करते हैं. Understood? When we talk about anything in particular. डिफरेंस आपको चौक से समझ आ गया होगा. ऐसे किसी भी चीज़ के साथ अगर जनरली बात कर रहे हो तो यहाँ अ या एन लगा दोगे, बट अगर पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे वो चीज़ है या उसी चीज़ के बारे में, द फूड दैट यू आर ईटिंग, सो द फूड दैट यू आर ईटिंग. ओके, एंड इट्स नॉट ओनली विथ यू, द फूड आई एम ईटिंग मतलब वो कहीं भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे. Understood? Now let's see the second place where the is used. Now beta, the is used in some more special cases. Let's see it. For example, there is a paragraph. कोई paragraph है या आप मतलब कोई भी sentence बोल रहे हो, तो आप जब किसी चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हो,
a book. I have a book in my drawer. I have a book in my drawer. Okay? मैं किसके बारे में बता रही हूँ? वन बुक के बारे में बता रही हूँ. किस बुक के बारे में? जो बुक मेरे ड्रॉअर में रखी है. सो आई हैव अ बुक इन माय ड्रॉअर. ओके, मेरे पास मेरे ड्रॉअर में एक बुक है. अंडरस्टूड? अब जब आप नेक्स्ट सेंटेंस पे जाओगे तो आप क्या करोगे? अब अगर आपको बुक के बारे में कुछ भी बोलना है, अभी आप क्या कर रहे हो? सी, अभी आप उसी बुक के बारे में फिर आगे भी डिस्कस कर रहे हो. यस, अभी आप उसी बुक के बारे में आगे भी डिस्कस कर रहे हो. तो अभी तो आपने बता दिया कि मेरे ड्रॉअर में वन बुक है. अब हम पर्टिकुलरली उसी बुक की बात करने जा रहे हैं जो मेरे ड्रॉअर में रखी है. तो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आप क्या करते हो? वी यूज द. सो वेन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड समथिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस, देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. अगर आप किसी चीज़ को फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस की हो और आगे जाके फिर उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, सो इन सच केसेस यू विल यूज द. द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. द बुक हैज दीज मेनी पेजेस. So always remember this, that if you are introducing anything in the first sentence, then after that, whatever you are writing or whatever it is, सब में the use होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आप particularly उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. Okay बेटा, now next thing, the is used with the name of rivers etc., rivers, mountains and all etc. Okay, so let's see with what things can we use the. Look beta, it is given. The can be used with title of the books, the Gita, the Ramayana, with the name of the well-known buildings also, the Taj Mahal, the Red Fort, the India Gate, jab aap kisi particular building ki baat kar rahe ho. Then with the name of rivers, the Ganga, the Yamuna, like this. Then with directions, when we are talking about directions, then also we use the. The north, the south, the east. Okay children, now there is exercise in your book on page number 37. It is starting from page number 37. You will fill up the blanks with a, an or the. Then here also you have to fill up the blanks with a, an or the. And then here you have to put wherever you think it is needed. You have to insert the article. आपको insert करना है article जहाँ भी आपको सही लगता है. Okay? You will complete this exercise and it will be your homework. I will post this answer in the assignment section. Okay? See unit 13, pronouns. What are pronouns? Pronouns are the words that are used at the place of nouns. वो words जिन्हें आप noun के place पे use करते हो. For example, if you are talking about a girl Sita, then instead of Sita you can use she. She is a pronoun. Same way if you are talking about a boy Shyam, then Shyam के place पे आप कौन सा use कर सकते हो? He. If you are talking about any animal, तो animal के साथ हरदम क्या use होता है? It होता है. वो ना male होते हैं ना female होते हैं. So it. So like this, there are many pronouns that are used. Yes. Now beta, today we will study about one special type of noun, that is possessive noun. That is possessive noun. I told you already what is the meaning of the word possession. Possession मतलब जब कोई चीज़ आपको belong करती है. So for example, you are talking about a boy who possesses a book, जिसकी एक book है. तो आप क्या बोल सकते हो? His book. अगर आप किसी boy की बात कर रहे हो जिसके पास कोई book है, जिसकी कोई book है, तो आप क्या बोल सकते हो? His book. Yes. Same way,
her book for a girl. If a book belongs to any girl, you can say her book. Yes, if the book belongs to yourself, आपका खुद का है, तो you can say mine. This book is mine to show the possession. मतलब ये book आपकी है. And if that book is yours, then how can I say this book is yours? So yours is also a possessive pronoun. Okay, so his, her, mine, then these all are theirs, hers, these all are possessive pronoun because they are showing ki wo uska saman hai. So his book, the book is, if we say the book is hers, so hers is also possessive pronoun. Same way, this book is yours. Yours is also possessive pronoun. This book is mine. Mine is also possessive pronoun. This book is his. His is also possessive pronoun. These books are theirs. जब plural की बात आती है तो क्या हो जाता है? Theirs. मतलब उनकी. So just remember कि जो pronoun होते हैं ना बेटा, जब हम उनमें one extra s use करती है, so it becomes possessive pronoun. ऐसे करके आप possessive pronoun कभी किसी sentence में आपको select करना हो, ढूंढना हो, तो आप कर सकते हो. And then his is also possessive pronoun, mine is also possessive pronoun. Understood? Now see, in your book there is one exercise. Let's see the exercise now. First, let's see this exercise. Underline the pronouns in the following sentences. This you can underline. Sita told Geeta that she should work hard. So obviously, what is the pronoun here? She. So you can just underline she. Yes, this way you have to do this exercise. Now let's come to the next one. Rewrite the following passage by replacing the underlined words, pronouns given in the bracket. See, Tommy the dog wanted to grow horns like Gori the cow. Actually, one day Tommy ran after Gori and गोरी पे अंडरलाइन है, तो आपको क्या करना है? गोरी पे प्रोनाउन लगाना है. एंड हु इज गोरी? गोरी इज अ बॉय, अ गर्ल और अ काउ. गोरी इज अ काउ, इट इज एन एनिमल. तो एनिमल के साथ क्या यूज होता है? इट यूज होता है. तो आप क्या कर दोगे? आप यहाँ पे इट यूज कर दोगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ यू विल डू दिस इन योर कॉपी. ठीक है, आप ये वाली एक्सरसाइज कहाँ करोगे? अपनी कॉपी में करोगे. नाउ रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस. आई हैव टोल्ड यू ना, बिलोंग्स टू हिम, हिज. बिलोंग्स टू हर, हर्स. सो सेम सेंटेंस तक आपको रीराइट करना है. दैट कार बिलोंग्स, नहीं, दैट कार इज हिज. The doll is hers. Okay, H-E-R-S, hers. Understood everyone? Now, beta, let's move to personal pronouns. Personal pronouns. The words I, you, she, he, it, we, they, me, her, him, us and them are called personal pronouns. Personal pronouns are used instead of a name of a person, place, object or idea when it is clear what or who you are talking about. Pronouns save us a lot of repetition. For example, Bob, Tubai and I decided that we would watch the flamingos from our terrace. Bob stayed back as the watchman did not see him. When the watchman saw Tubai and me on the terrace, he asked us to come down. The flamingos are beautiful birds. It's a pleasure to watch them. Some
personal pronouns serve as subjects and some as objects in sentences. Pronouns that replace subject nouns are called subject pronouns. I, you, he, she, it, we, and they are subject pronouns. For example, she went home. An object pronoun functions as the object of a verb or preposition in the predicate. Me, you, him, her, it, us, and them are object pronouns. For example, he went with her. Now, beta C, in exercise D, when you reached home, you said, "Mother, luck was by my side today." Now, think about your lucky day and write about it in first person. In first person means, aap apne bare mein isme write karoge. Okay, it is your choice what you want to write. Come to the next one, underline the pronouns and write against each sentence the form of pronoun or person used. State whether it is first person, second person or third person. आपको क्या करना है? Pronouns को underline करना है. और क्या करना है? ये बताना है कि वो first person है, second person है या third person है. Understood? Now, fill in the blanks with correct form of personal pronoun. यहाँ आपको क्या करना है? Personal pronoun, जो correct personal pronoun है, वो यहाँ पे write कर देना है. Please come here, dash want to talk to you. So, what will come here? I want to talk to you, so I can be written here. Okay? Now, beta, one more thing, singular and plural pronouns. Singular pronouns, plural pronouns. अब ये तो आपको पहले से पता है. I, me, you, she, her, he, him, it. ये तब यूज होता है जब आप किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो. Plural pronoun, we, us, you, they, them. ये कब यूज होता है? जब आप बहुत लोगों की बात कर रहे हो. Yes? Same way, if we talk about the genders in pronoun, so he or him is always used for masculine gender, means males. She and her is always used for feminine gender, that means female. I, we, me, us, you is always used with common gender, क्योंकि वो common सब लोगों के लिए use होता है. It किसके लिए use होता है? For animals. Neuter gender के लिए भी और animals के लिए भी. Okay, so now you have to again fill up the blanks with personal pronoun. So this you will do. और यहाँ पे देखो, show whether the pronouns are plural, singular, male, female, neuter, common. आपको S लिखना है, he. He मतलब क्या है? Singular है या plural है? Singular है, तो आप यहाँ पे S write कर दोगे. आप बताओ, he male है, female है, masculine है, feminine है, common है या neuter है? Male क्या है? Masculine है. तो आप क्या write कर दोगे? M. तो ये क्या हो गया? S, M. Okay? So this way only you have to complete this exercise also. Okay children? So that's it for today. Thank you everyone and take care of yourself and complete your exercise. I will be posting the answer in assignment section.